कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस बार अमेठी के साथ साथ केरल की वायनाड सीट से चुनावी मैदान में हैं, जिसके लिए आज उन्होंने अपने प्रचार का आगाज कर दिया। राहुल आज केरल के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां पहले दिन राहुल गांधी ने दो रैलियों को संबोधित किया, साथ ही इस दौरान उन्होंने केरल के लोगों को साधने की कोशिश की। दक्षिण राज्य केरल में चुनावी नैया पार लगाने के लिए आज पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी सूबे के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे और ताबड़तोड़ रैलियां कर पार्टी की नैया पार लगाने की कोशिश की। कोल्लम में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल ने केरल के इतिहास और संस्कृति का जिक्र कर सबसे पहले वहां के लोगों पर निशाना लगाया। हिस्ट्री ऑफ टॉलरेंस, योर हिस्ट्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट कल्चर्स, योर हिस्ट्री ऑफ बीइंग कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नॉट with a inferiority but with an openness. केरल के लोगों को साधने के साथ ही यहां राहुल ने पीएम मोदी और अमित शाह पर भी जोरदार वार किया। The prime minister, or you listen to the RSS ideologues, they will always talk about the outside world as superior to India. Some days ago Mr. Amit Shah said, you know, only these two countries act in this manner and now India also acts. राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ दो विचारधाराओं की लड़ाई है, जिसमें एक तरफ हम खड़े हैं और एक तरफ बीजेपी और आरएसएस वाले, जिन्हें हम हरा कर दिखाएंगे, लेकिन प्यार और मोहब्बत के साथ। आपको बता दें कि केरल में तीसरे चरण में 23 मई को चुनाव होगा, जिसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष पूरी ताकत लगा रहे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।